गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम करेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में इलेक्शंस किस तरह से होते हैं उसके बारे में बात करने वाले। क्या अलग अलग सिस्टम जो है वो अपनाए गए? सो द थिंग इज हम जो रिप्रेजेंटेटिव को अपने वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सिलेक्ट करते हैं उसको बहुत अलग अलग तरीकों से जो है वो चुनते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट इलेक्शन सिस्टम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दो तरह के सिस्टम है जिस तरह से हम इलेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से हमारा मतलब है कि भाई कई सारे कैंडिडेट्स एक जगह पे खड़े हुए और जिसको भी ज्यादा वोट्स मिलते वो जीत जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री के इलेक्शन के लिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, पूरे इंडिया को छोटे छोटे ज्योग्राफिकल पार्ट में बांट दिया। उस ज्योग्राफिकल पार्ट में अलग अलग पार्टी से एक एक कैंडिडेट खड़ा हो, अब उसी एरिया के लोग जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं वो उसे देंगे एंड फिर इस तरह से हमारा प्रधानमंत्री जो है वो बन जाएगा। सो इसको प्लूरिटी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, जो आपने MLA चुना है वो MLA वोट करे तब जाके हमारा प्रेसिडेंट चुना जाता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या आप वोट देने जाते हैं? क्या आपके पेरेंट्स वोट देने जाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं। आपने जिस MLA को चुना है, जिस MP को चुना है, वो चुनता है हमारा कौन? हमारा राष्ट्रपति। सो व्हाई वी अडॉप्टेड दिस सिस्टम लाइक FPTP, हमने ये सिस्टम क्यों अपनाया? FPTP बेसिकली क्या है? इसमें क्लियर मेजोरिटी आराम से मिल जाती है। चार कैंडिडेट है, चार कैंडिडेट में से मान लो 50 वोट सबको मिले तो 54 वोट्स है, तो मेजोरिटी कितने में आएगी? मेजोरिटी आएगी 26, क्योंकि मेजोरिटी आती है जितनी टोटल सीट्स है उसका प्लस वन करके। 50 का आता 25 में प्लस वन 26, तो 26 में मेजोरिटी जो है वो आ जाएगी। अब किसी को मिलते 24, किसी को मिलते 23, किसी को मिलते 20 और किसी को मिलते 19। और अगर देखा जाए तो जिस कैंडिडेट को सबसे हाईएस्ट वोट मिले हैं, जिसको ज्यादा वोट्स मिले हैं वही हमारा उम्मीदवार होएगा। सो ये सिस्टम इसलिए अपनाया गया था, इंडिया आजाद हुआ था, सबसे आसान सिस्टम था ये और आम जनता के भी समझ में ये आ जाएगा आसानी से, इसलिए ये जो FPTP इसको अपनाया गया था। अब डिफरेंस अगर हम देखें FPTP में और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में तो बेसिकली क्या है, FPTP में हम कैंडिडेट को देख के वोट देते, आपकी तरह से कौन सा कैंडिडेट है, किस पार्टी से, ये नहीं कैंडिडेट को देख के। लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है और यू कैन से PR सिस्टम है, इसमें आप हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को देख के वोट देते हैं। FPTP इजी है और PR थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे मेजोरिटी कम मानी जाती है, इससे मेजोरिटी होती है टोटल सीट्स का आधा प्लस वन। एंड एक और चीज है जो सिस्टम ये फॉलो किया जाता है FPTP, ये UK एंड इंडिया में फॉलो किया जाता है और PR सिस्टम इसराइल में फॉलो किया जाता है। FPTP में जो वोट्स है आपका वोट का शेयर कम होगा, क्योंकि अगर किसी के 10 भी आए हैं तो बाकियों से तो उसका वो ज्यादा है ना। लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट एक को 2 वोट मिले, एक को 6 मिले और एक को 8 मिले और एक को 9 वोट मिले, मान लो मेजोरिटी कितने में आनी थी, 15 में, बट स्टिल इन चारों में सबसे ज्यादा तो 9 को मिले हैं ना। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें जो परसेंटेज और वोटिंग शेयर वो कम हो जाता है लेकिन सीट्स का परसेंटेज ज्यादा रहता है। हाउ डज PR सिस्टम वर्क इन राज्यसभा? राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें PR सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। तो ये कैसे काम करता है तो हम पहले देखते हैं जो राज्यसभा के मेंबर्स है उनका स्ट्रक्चर। तो 238 मेंबर्स हम इलेक्ट करते हैं और 12 जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये अलग अलग फील्ड से होते हैं, साइंस, फिलोसफी, आर्ट्स, कल्चर, लाइक अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टोटल वोट्स पोल, टोटल वोट्स कितने मिले अपॉन जितने कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्शंस हो रहे हैं 10 कैंडिडेट्स के लिए, मतलब 10 सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे प्लस 1 एंड ब्रैकेट के बाद फिर प्लस 1। सो दिस इज हाउ जो PR सिस्टम है वो राज्यसभा में काम करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि मैंने कहा FTPT में क्या होता है कि FTPT और PR सिस्टम है,
एफटीपीटी में पूरे इंडिया को छोटे छोटे पार्ट में, ज्योग्राफिकल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उसको नाम दे दिया कॉन्स्टिट्यूएंसी। पीआर में क्या है, पूरे ही कंट्री को एक ज्योग्राफिकल एरिया कंसीडर कर लिया जाता है। सो रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हुआ, टू एंश्योर कि हर एक व्यक्ति को चांस मिले कि वो अपनी बात रख सके, और अगर आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं तो आपको मौका मिले, चाहे वो एससी से हो, चाहे वो एसटी से हो, चाहे जनरल का हो और चाहे ओबीसी का हो, इसलिए रिजर्वेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिए गए। नेक्स्ट, डिलिमिटेशन ऑफ कमीशन, ये एक्चुअली इसी का पॉइंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसी की फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया में 25 जनवरी 1950 को सेटअप की जाती है। इनके फर्स्ट जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकेमल सेन, सुकेमल सेन। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू कंडक्ट फर्स्ट टाइम इलेक्शन इन सच अ वास्ट कंट्री, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए। फाइनली 1952 में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं और नियम देते हैं। पहले क्या था, एक ऑफिसर हुआ करता था, 1989 सिंगल कमिश्नर इलेक्शन कमीशन में। फिर 1993 से क्या डिसाइड किया गया, डबल इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इससे क्या होगा, गड़बड़ी के जो चांसेस है वो कम किए जा सकते हैं। थर्ड, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया जाएगा वो प्रेसिडेंट करेगा। अब फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, तो इलेक्शन कमीशन का काम है कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। आपको पता है जब इलेक्शन आते हैं तो कितनी ज्यादा परसेंटेज होती है, कितनी ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, तो कोड ऑफ कंडक्ट बना गया है इसलिए इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया है। दूसरा, अलॉट सिंबल्स, यही तो है जो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स अलॉट करता है। तीसरा, कैन पोस्टपोन इलेक्शंस, अगर किसी एरिया में, अगर किसी स्टेट में तैयार नहीं है, वहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है, तो इस सिचुएशन में इलेक्शंस पोस्टपोन किए जा सकते हैं, और ये कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन। फोर्थ, अपॉइंट इलेक्शन ऑफिसर्स, तो एक इलेक्शन करवाने के लिए भी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है जो कि करता है इलेक्शन कमीशन। तो ये फंक्शंस हो गए हमारे इलेक्शन कमीशन के। इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम किस तरह का है और क्या रिफॉर्म्स किए गए, बिकॉज हर एक सिस्टम देखा जाए, चाहे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम देखा जाए, इट इज नॉट परफेक्ट, इसके भी कई सारे फ्लोज, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए गए, पहला तो ये किया गया, ये एंश्योर किया जाए कि वुमेन्स को सीट्स मिले, इसके लिए रिजर्वेशन उनको दिया जाए। दूसरा, क्रिमिनल केस रिस्ट्रिक्ट किए जाए, कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, अपना कोई नॉमिनी आता है और वो पर्चा भरता है कि उसको इलेक्शंस लड़ना है, तो ये एंश्योर करना है कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से ना आता हो या उसके ऊपर कोई क्राइम करने का इल्जाम ना लगा हो। तीसरा, रोल ऑफ मनी, लाइक पावर और मनी हर जगह काम करते हैं, तो ये कोशिश की गई कि पैसा जो है वो यहाँ पर ना चले। फोर्थ, कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, कास्ट एंड रिलीजन के नाम पर आप वोट गैदर नहीं कर सकते, कहीं पर भी आपको कास्ट एंड रिलीजन का नाम नहीं लेना है। एंड फिफ्थ, लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो फंक्शनिंग ठीक तरीके से काम करती रहे और जो लॉ है तो लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, पॉलिटिकल पार्टीज अपना आमपना खोए और एक डायरी के अंदर ही काम करती रहे। सो गाइज, दिस वॉज अ चैप्टर, इफ यू एनी प्रॉब्लम यू आर फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। I will meet you in my next video. Till then, bye.